हाय गाइस, वेलकम बैक टू शिवी लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और देखो, मैं आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे कर रही हूँ और यार रूम काफ़ी मैसी हो रखा है पीछे से, सो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बस आपको शो कर रही हूँ। और आज मैं अपने जा रही हूँ ननद के गरबा फंक्शन में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चल रही है नवरात्रि। तो नवरात्रि में क्या होता है? डांडिया। सो चलिए डांडिया इंजॉय करते हैं चल के आप लोगों के साथ में। और ये देखो, मैंने ना अपने कवर में ना, मतलब मेरा फोन है रेडमी की 20, बट उसमें मैंने लगाया हुआ है अपना ओप्पो का। ये देखो, एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत सारे फोन तोड़ चुकी हूँ तो ना डर लगता है, इसलिए मैंने इसको लगा लिया। तो ऐसे फिंगर की हेल्प से इसको मैं फंसा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। यार मैंने कोई नेल पेंट भी बहुत दिन से अप्लाई नहीं करा ना, तो कल करती हूँ मैं नेल पेंट भी अप्लाई। फोटो भी क्लिक कर ली, ठीक है। तो ना कल है फैक्ट्री में हवन होना है, और अभी ये आए नहीं हुए हैं मैंने, कि जैसे कि आपको बताया हुआ था पहले ही कि ये कहीं बाहर गए हैं। कल सुबह 10 बजे हवन होना है फैक्ट्री में, तो सभी लोग चलेंगे, जो भी फैमिली मेम्बर्स है बाकी के, वो हम सब लोग चलेंगे और एंजॉय करेंगे। कल है लास्ट डे, और कल है नवमी और आज है अष्टमी। हो सका ना तो मैं आपको वहाँ पे लाइव जाके भी दिखाऊंगी, अगर अच्छा लगा तो, है ना। बट क्या है ना, कॉपीराइट आ जाते हैं म्यूजिक की वजह से, तो मैं ना म्यूट कर दूंगी, तब मैं शायद आ जाऊँ। वैसे छोड़ो यार, आप लोग व्लॉग ही देख लेना, ठीक है तो चलो जल्दी से चलते हैं, मदर इन लॉ वेट कर रही है। ठीक है, बाय बाय, आ जाओ मेरे साथ में। तो चलिए हम लोग आपसे वहीं पे चल के मिलते हैं, ठीक है। तो फिर आ जाओ मेरे साथ में आप लोग। हमारी संस्कृति की कुछ फ्रेंड्स जो कि क्यूट क्यूट सी थी, छोटी छोटी सी हैं, और ये पूछती है कि भाभी ये वीडियो कब आएगा। मैंने कहा बस कल या परसों तक आ जाएगा, तो वो बोलती है हाँ हम भी देखेंगे, हम भी आपकी वीडियो में आएंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। अभी ना संस्कृति आ रही है, वो बोल रही है, काफ़ी गुस्सा कर रही है कि आप लोग काफ़ी लेट हो गए और लेट आओ, और अभी आप लोग को सीट नहीं मिली बिकॉज आगे की जितने भी सीट थी सारी रिजर्व हो चुकी हैं। बट हमने कहा नहीं नहीं हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट फिलहाल आगे जाकर हम लोग को सारी सीट्स मिल गई थी। सीट मिल गई हैं और हम सभी लोग जो भी थे हमारे साथ में। तो अभी चल रहा है गरबा का प्रोग्राम, तो अभी बेसिकली आरती चल रही है जो कि स्टार्टिंग में होती है। तो यहाँ पे आंटीज़ वगैरह हैं जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी आंटियाँ हैं, तो वो मतलब कि आरती कर रही हैं। उसके बाद में संस्कृति वगैरह का प्रोग्राम होगा, तो काफ़ी मतलब हर एज के लोग हैं, आंटीज़ भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, सभी लोग हैं। काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे हम सभी लोग, बिकॉज ये लोग तो इन्जॉय कर ही रहे थे, पर इनको देखकर हम लोग भी इन्जॉय कर रहे थे।
इतना मजा आ रहा था ना गाइस कि हम लोग आगे जाके खड़े हो गए थे, बट ये आंटी आए हो कहते सब लोग साइड हो जाओ, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है पीछे से, बिकॉज ये बैठी हुई थी, हम लोग खड़े हुए थे साइड में आके, बट फिर मैं अपनी जगह पर आके बैठ गई थी। और इन्जॉय करिए आप लोग गरबा डांस। काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड था जिसे बहुत सारे लोग थे, आप देख ही सकते हैं कि मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कितने सारे लोग थे गरबा खेलने वाले। और अभी संस्कृति आने वाली है तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ, तो संस्कृति भी देखो मेरे सामने से ही निकल रही है बहुत एंजॉय कर रही है वो भी, उसे डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी उसने भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस वाले गरबा प्रोग्राम में, और ये काफ़ी लेट नाइट तक चलने वाला है, तो आई डोंट नो कितने बजे तक चलेगा ये, बट हम लोग जल्दी आ जाएंगे और संस्कृति बाद में आएगी। तो आप देख ही सकते हैं कि सामने काफ़ी सारे जजेस बैठे हुए हैं जो कि ये डांस परफॉर्मेंस देखेंगे और ये तय करेंगे कि कौन जीतने वाला है। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, आप देख सकते हो जगह जगह से लोग आए हैं, मतलब ग्वालियर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। और देखिए छोटी छोटी सी बच्चियाँ भी हैं जो डांस परफॉर्म करी, बहुत ही प्यारा प्यारा डांस कर रही थी गाइस वो, मतलब कि बड़े लोग तो चलो ठीक है कर रहे थे, वो सीखते हैं उन्हें आता है बड़े, पर जो छोटी छोटी बच्चियाँ थी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा डांस में एक्सपर्ट थी, तो उनको देख के बहुत मज़ा आता। आप देख सकते हो बीचों बीच में वो दिख रही थी अभी, और यस मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो अभी देखते हैं कि घर जाने का प्रोग्राम बन रहा है। मेरे को पता है लोग कहते हैं कि चलो अब चलते हैं, लेट हो रहा है, तो चलिए अब हमारे साथ में अभी हम लोग भी घर जाएंगे थोड़ी देर से, तो मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ी देर बाद जाते हैं। और यहाँ पर सारा कुछ था, मतलब खाने पीने के लिए भी, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने संस्कृति को बोला टाटा बाय बाय कि अब तुम बाद में आना, बिकॉज उसकी और भी फ्रेंड्स थी और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी थे तो वो उसको ड्रॉप कर देंगे। तो बस गाइस चलिए चलते हैं, और मदर इन लॉ भी इस टाइम उसे कह रही हैं कि शिवी तुमको भी लेना चाहिए था इसमें पार्टिसिपेट, पर चलो कोई बात नहीं, पता नहीं था हम लोगों को, नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेंगे, बिकॉज मैं अभी बांदा में थी, मैं यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि गरबा प्रोग्राम में संस्कृति पार्टिसिपेट करिए या कुछ ऐसा, तो कोई नहीं आप लोग भी नेक्स्ट टाइम वेट करना, मैं भी गरबा खेलने की सोच रही हूँ, आई थिंक करूँगी, तो आप लोग सब में शेयर ज़रूर करूँगी मैं। बस मैं तो यहाँ पर म्यूज़िक सुन के बढ़िया मस्ती मार रही हूँ और कुछ नहीं और मैं और मदर इन लॉ बस बातें कर रहे हैं कि ये कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है, कौन छोटी सी बच्ची कौन बड़ी बच्ची है, तो बस हम लोग यही कर रहे हैं। तो देखिए अभी जो ग्रुप डांस था वो अभी चल रहा है, तो पहले काफ़ी सारे लोगों का साथ में था, अभी संस्कृति की जो टीम है वो आ गई है, तो ये संस्कृति का ग्रुप है, और जो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है वो है संस्कृति। सो फुल जोश के साथ वो डांस कर रही है, देखिए बिल्कुल एनर्जी गई नहीं है आप लोग नोटिस कर सकते हो इस पूरे प्रोग्राम में।
गरबे के बाद में अब शुरू हो चुका है डांडिया डांस, जो कि बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है गाइज। और उसको मैंने थोड़ा सा स्पीड पे कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही स्लो था और वीडियो लंबा हो जाता है, बट मैं कोशिश करूँगी कि इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसमें पूरा का पूरा डांस का डांस ही अपलोड कर दूँगी मैं, और कुछ भी नहीं होगा, सारा गरबा डांडिया डांस होगा उसमें। तो अगर अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और मैं और मदर इन लॉ कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, मैंने सोचा चलो यार पिक्चर्स क्लिक करते, बट कभी कभार कहीं कहीं इतनी ज़्यादा लाइटिंग आ रही थी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट पड़ रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। सो गाइस देखो यहाँ पे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है ना, मैं भी भांगड़ा करने लग गई यहाँ पर बैठ के। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, बाय बाय। ये गाड़ी खड़ी हुई है, संस्कृति लेट हो जाएगी, संस्कृति अभी आई नहीं है। तो गाइस आ गए हैं हम लोग घर पे, और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा, 10 बज रहे ओनली। तो बहुत अच्छा गरबा प्रोग्राम हुआ, और आप देख सकते हो मंदिर कितना कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। बट दिया वगैरह सब बंद हो चुका है, बिकॉज इतनी रात हो चुकी है, तो भी इसका पर्दा डालना होगा, बाकी तो कुछ नहीं। सुंदर सुंदर लग रहा है, थोड़ी सी मैचिंग भी नहीं कर रही, वैसा लग रहा है क्या, बताना जरूर कॉमेंट करके, ठीक है। चलो अभी अपने रूम में चलते हैं हम लोग, बहुत मज़ा आया यार वहाँ पर इंजॉय करके। आपको पता है मेरा देखो रूम कितना मैसी हो रखा है, पूरा नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो ना मेरा रूम बहुत मैसी हो रहा है, बिकॉज मैं गई थी ना बहुत जल्दी 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 मैं चली गई थी, इस वजह से वो कपड़े निकाले, जो कपड़े पहने थे वो फोल्ड करके रखे भी नहीं, मेकअप का सामान भी ऐसे ही रखा था। बट आज मैंने देखो काजल, लाइनर और लिपस्टिक लगाई थी, बाकी कुछ नहीं लगाया था। यू नो गाइस कि मैं ऐसे नॉर्मल तैयार नहीं होती हूँ, कभी कभार होती हूँ। लास्ट टाइम मैंने मेकअप करा था अपने भाई की शादी में, जब मैं बांदा गई हुई थी ना, फरवरी में शादी थी, आप लोग सबने ब्लॉग में मैंने शेयर करा था, तब मैंने लास्ट टाइम मेकअप करा था बहुत सारा। बट वैसे स्किन भगवान ने अच्छी दी है, तो इसलिए मेकअप अप्लाई नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत लिप कलर वगैरह लगा लेते हैं। तो चलो मैं आपसे कल मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।